दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं, पंडित जी हैं। कल वो आए, बोले डॉक्टर साहब, आपके होते हुए हमारा ये कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया। हम कहे यार, खाओगे तुम, आराम करोगे तुम, और हमारी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। भाई का है, बोले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ अजीब से अजीब सा महसूस हो रहा था, तो हमने कहा लाओ चलो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल कराया तो LDL 100 के ऊपर है, HDL बहुत कम है और कोलेस्ट्रॉल हमारा 206 है। डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए? तो हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं, आपको कुछ समझाएंगे, कुछ दवाइयां देंगे, आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, आज हम कोलेस्ट्रॉल पे चर्चा करेंगे और कोलेस्ट्रॉल बताएंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में, किचन में मौजूद हैं, जिनसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को सही कर सकते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपके पास आए। चलिए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है, जिसका निर्माण हमारे लीवर के द्वारा किया जाता है। अधिक गरिष्ठ चिकनाईयुक्त फूड, जंक फूड जैसे पदार्थों का खाना या ज़्यादा खाना, उतना ज़्यादा ही ये बनने लगता है। जब ये शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो नसों में ये जमा हो जाता है, हमारे जो वेन्स हैं इसमें जम जाता है। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का खतरा आज एक ऐसी समस्या है, इससे चाहे यंग लड़के हों, चाहे बीच वाले हों या बुजुर्ग हों, हर किसी को चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव कर इससे बच सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने खाने पीने की आदतों को और जीवन शैली में थोड़ा से बदलाव कर लें, प्रकृति से जुड़ते हुए ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो हमेशा फिट रखने का काम हमें करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं गार्लिक यानी लहसुन की। लहसुन सब्जी, दाल या अन्य व्यंजनों का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, आजकल सर्दियां चल रही हैं, चटनी भी खूब बनती है, बल्कि ये एक औषधि के रूप में भी काम करती है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग घर में कहते हैं भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो लहसुन खाओ। सच्चाई है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को पिघलाती है। लहसुन के गुणों की बात करें तो इसमें एसिलीन और मैग्नी होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके साथ ही एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी इसमें होते हैं। लहसुन में एलिसिन जो होता है वो, साथ ही एजोइन और एलीन जैसे कंपाउंड भी उसमें रहते हैं, जो लहसुन के गुणों को और कई गुना बढ़ा देते हैं। एलिसिन खून के ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हमारी सहायता करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हर सुबह लहसुन की एक कली को गुनगुने पानी से लें तो इससे कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। लहसुन को शहद के साथ मिलाकर खाएं तो और भी ये फायदेमंद होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, साथ ही दिल की धमनियों में जमी हुई फैट को कम करने में भी हमारी ये मदद करता है। लहसुन के कई फायदे देखने को मिलते हैं। लहसुन का सेवन कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ इससे डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर को भी कम करने में हमारा ये काम आता है। गार्लिक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने का एक घरेलू नुस्खा है, इसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बहुत असरदार क्षमता होती है, LDL जिसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है LDL, एक होता है HDL। LDL जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा, और HDL जितना ऊपर रहेगा वो उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा। लहसुन को डाइट में शामिल करें और अपने हार्ट को तंदुरुस्त करें। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन जो काम करता है वो गंदा कोलेस्ट्रॉल, जो फैट इकट्ठा होता है, जो जरूरत से ज़्यादा तैली और फैट से फूड खाने से हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए रोज सुबह एक गिलास पानी के साथ कच्चे लहसुन को कूट कर खाया जाता है। एक होता है एवोकाडो। एवोकाडो भले ही हमारे यहाँ हर जगह ना उपलब्ध हो, लेकिन
लगातार एक सुपर फूड के तौर पर हमेशा ये चर्चा में बना रहता है। पोषक तत्वों से भरपूर ये क्रीमी फल फिटनेस और सेहत के लिए बेहतरीन साबित होता है। आकार और रंग में बनावट में एक अजीब सा दिखता है। एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसका सेवन नाश्ते में किया जा सकता है। सेहत को पता नहीं कितने ज्यादा फायदे पहुंचाता है। एवोकाडो में कम कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलेट, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर, विटामिन ई और विटामिन के से भरपूर ये फल सेहत के लिए जबरदस्त काम करता है। एवोकाडो का सेवन दिल की सेहत के लिए वरदान होता है। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, जिसे दिल की सेहत के लिए बेस्ट माना जाता है। इसका सेवन करने से ब्लड वेसल्स फंक्शन में सुधार होता है और सूजन कम होती है। पोटेशियम से भरपूर ये फल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में बनाए रखता है। विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ये फल कोशिकाओं को क्षति और सूजन से भी बचाता है। तो इसका सेवन करने से दिल की संपूर्ण सेहत में सुधार होता है। लेमन, नींबू आपने सुना होगा, सबके घर में किचन में मौजूद है। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। ये मोटापा कम करने के साथ साथ नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हमारी मदद करता है। जानते हैं आप, हर सुबह नींबू का पानी खाली पेट का सेवन कर सकते हैं। नसों में चिपका ऑयल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आते हैं। जब हमने पंडित जी से लहसुन के लिए कहा तो पता क्या बोले भाई साहब? बोले, डॉक्टर साहब, हम ब्राह्मण आदमी हैं, लहसुन और प्याज तो हम खाते नहीं हैं। हमके यार भाई मेरे, लहसुन में कौन सा ऐसी चीज है जिसको तुम्हें परेशानी है? नहीं, अगर खाते हो तो दवाई के रूप में, औषधि के रूप में खा लो, आपको आराम ही मिलेगा। लेकिन नहीं, बोले हम नींबू खा लेंगे। तो नींबू हमारे बहुत काम का है, लेकिन जानते नहीं हम लोग। किचन में मौजूद है, उठाइए, कुछ नहीं तो मोटापा कम करने के लिए खाइए, बाकी कुछ ना करो, हार्ट अपने आप सही रहेगा। एक होता है सतावरी। सतावरी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। सतावरी की चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। दरअसल इसमें अघुलनशील फाइबर होते हैं जो पाचन तंत्र की मजबूती को बढ़ाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। इसके अलावा सतावरी में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हमारी मदद होती है। अगर आप हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रोक के खतरों को कम करना चाहते हैं तो सतावरी से बनी हुई चाय का सेवन करें, नींबू का सेवन करें और गार्लिक का सेवन करें। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तला भुना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर की चीजें बहुत कम से कम खाइए। घी, तेल, अचार, मिर्च मसाला, पूड़ी, पराठा, इनसे थोड़ा परहेज करें। कभी कभार खाने में बुराई नहीं है, लेकिन रोज ना खाएं। अब सर्दी आ गई है, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पे पूड़ी या पराठा नहीं बनते हैं। तला हुआ खूब खाया जाता है इसमें, लेकिन खाइए, कम से कम खाइए। दूसरा एक और हम आपको बताना चाहेंगे, एक हमारे बहुत सीनियर, उन्होंने एक बार हमसे कहा था कि कभी भी एक ही ऑयल ना प्रयोग करें। कभी देसी घी थोड़ा खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, मना नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल या फैट भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। तो इसमें हम बदल के कभी सरसों का तेल ले लिया, कभी मूंगफली का तेल ले लिया, कभी कोकोनट का तेल, जो भी मतलब है, तेल बदलते रहें, लगातार एक तेल ना सेवन करें, इससे आपको दिक्कत हो सकती है, और कम से कम मात्रा में लें। उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपके पास आए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।